बहन और उसका भाई सिकंदर, ये सिकंदर है जो बोल रहा था। एक दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सुशीला से मिली शीला रस्ते में, शीला ने पूछा बहन तुम्हारे कितने बेटे, तो शीला ने कहा मेरे दो बेटे। वे क्या करते हैं? बोले एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। तो शीला ने पूछा सुशीला तुम्हारे कितने बेटे, तो बोले मेरे चार बेटे। बोले क्या करते हैं? तो बोले दो जेल में हैं और दो फरार हैं। तो देवेंद्र भैया छोटी सी संख्या के ही लोग बैठ करके कोई अच्छी और चर्चा कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं, अच्छे कार्यों पे चर्चा हो रही है, वो ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत हजारों की भीड़ बन लेकर के रैलियां लगा करके संयंत्र करके विद्रोह करने की कोई स्कीम कर रहे हैं, उससे ये संख्या जो है वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सराहनीय संख्या। हम रैलियों में पॉलिटिकल पार्टी देखती है, हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग अच्छे विचारों पर बढ़ते हैं आगे, लेकिन कुछ भाषण और भी कराने हैं एक दो तीन सभी मंच को, तो सभी विद्वान सबको अगर मैं खड़ा कर दूँ तो एक एक घंटा बोल सकते हैं, इतनी क्षमता के लोग हैं, लेकिन चूंकि वक्त की मर्यादा है, डेढ़ बज गया है, भोजन का समय हो रहा है, इसलिए मर्यादित समय में मैं निवेदन करूंगा तीन वक्ताओं से, आदरणीय बृजमोहन पांडे जी से, आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे जी से, और उसके पहले श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी से, कि संक्षिप्त में अपना भाषण दें और बाद में महामंडलेश्वर जी आशीर्वाद देंगे और कार्यक्रम को यहीं कम लोग पूर्ण करेंगे। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी को मंच पर बुलाऊं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि सम्मानित मंच दर्शन तिवारी जी का सम्मान शाल और श्रीफल और स्मृति चिन्ह द्वारा करें, अमित तिवारी जी का सम्मान और डॉक्टर पंकज उपाध्याय जी का, श्री ब्रिजेश पांडे जी का और श्री नरेंद्र पाठक जी का, ये पांच व्यक्तियों का सम्मान स्टेज से मैं चाहता हूँ हो। तो आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे जी, बृजमोहन पांडे जी से निवेदन है कि सबसे पहले दर्शन तिवारी और अमित तिवारी का सम्मान शॉल और स्मृति चिन्ह पुष्प गुच्छ द्वारा। महेंद्र आए, महेंद्र पाठक जी आए मंच पर, तो पहले आपका कर लो अमित तिवारी जी का सम्मान। अमित तिवारी जी के सम्मान के बाद श्री ब्रिजेश पांडे जी का सम्मान, दर्शन दिया तुम्हें, महेंद्र पाठक जी आए, श्री ब्रिजेश पांडे जी कृपया मंच पर आए, आप सभी जानते हैं कि सजीव पार्टी युवा पश्चिम युवा सम्मेलन में मेरे साथ पूरा तन मन धन से निष्ठा से लगे हुए श्री अमित तिवारी, दर्शन तिवारी अगर मैं कहूँ तो इस आयोजना के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, उनका सम्मान श्री बृजमोहन पांडे जी द्वारा और डॉक्टर सतीश पांडे जी द्वारा, हमारे सारी आयोजना में तन मन धन से सहयोगी श्री महेंद्र पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर यथोचित सम्मान होगा। कहाँ गए ब्रिजेश पांडे जी? पूरी दुनिया में सुगंध फैलाने वाले, आप देख रहे हो शिखर धवन डायमेंशंस करके सेंट जिसके शिखर धवन एडवर्टाइज करते हैं, वो शिखर धवन जो एडवर्टाइज कर रहा है उसके मालिक है ब्रिजेश पांडे, जिनका आप सम्मान कर रहे हैं। टीवी पे देख रहे होंगे एक लाल परफ्यूम डायमेंशंस, शिखर धवन क्रिकेटर, उसके मालिक श्री ब्रिजेश पांडे जी, एनडीटीवी में आए आती है। श्री महेंद्र पाठक जी, महेंद्र पाठक जी हमारे शुक्ला जी के साथ नवभारत टाइम्स के ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनाथ पांडे जी भी आए हुए, उनका भी यहाँ हार्दिक सम्मान है, स्वागत है। इसके बाद दो मिनट पहले आपका स्वागत हो जाएगा, उसके बाद होगा ना? नहीं नहीं नहीं, सबका हो चुका है, इसके बाद पहले आपका स्वागत हो जाए, उसके आगे जो है स्वागत होगा। हाँ मामा जी करेंगे, सब लोग करेंगे, पूरा
पूरा पूरा हॉल करेगा जो है, पूरा मंच करेगा,